ठीक है देखो प्रूफ करते हैं एचसीएफई टू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, हम लोग पढ़े थे छोटा क्लास में कैसे करेंगे देखो। लेकिन ई अंत ई फॉर्मूला ट्रू तब है जब दो नंबर होगा कि नहीं, मतलब दिस फॉर्मूला इज ट्रू इफ देयर इज ओनली टू नंबर्स, ठीक है। लेकिन एक से अधिक नंबर, दो से अधिक नंबर होगा ना, तब वो क्या होगा एच सी एफ, एच सी एफ पार हो जाएगा तुम्हारा एन माइनस वन इन टू एल सी एम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स जब दो से अधिक होगा तो, ठीक है। देखो कैसे इसको प्रूव करते हैं, सबसे पहले तो नंबर मानना पड़ेगा हम लोग को, लेट अब प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ लेट देयर आर एन नंबर्स, एन नंबर्स है कि नहीं, से क्या क्या माने ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ऐसे चल रहा है तुम्हारा एन नंबर्स, समझ रहे हो क्या कोई नंबर है। अब लेट करते हैं लेट एच सी एफ, एच सी एफ है कि नहीं, एच सी एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ये सब जो है सबका जो है एच सी एफ कितना है कुछ भी एच है, एच सी एफ मतलब क्या हुआ सबको भगा दे देगा, वही मतलब होता है एच सी एफ का मतलब सबको भगा देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए को हम लोग एच इन टू कुछ नंबर पी के ले सकते हैं फॉर सम नंबर, इसको क्या बोलते हैं फॉर सम, फॉर सम पी बिलोंग्स टू इंटीजर में कोई नंबर आएगा वही मतलब होता है एच सी एफ का। फिर बी इक्वल क्या हो जाएगा एच क्यू फॉर सम क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, सी इक्वल क्या आएगा एच आर फॉर सम आर बिलोंग्स टू इंटीजर, इस तरह क्या आएगा एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर सब आएगा। अब लेकिन जानता है ये सब जो है पी क्यू ऐसा नंबर होगा कि सच दैट एच सी एफ ऑफ पी कोमा क्यू कोमा आर डॉट डॉट इसका मान वन होना चाहिए, इस सब का एच सी एफ वन होना चाहिए, अगर फिर दूसरा कोई एच सी एफ निकला ना फिर मल्टीप्लाई कर दूसरा एच सी एफ बन जाएगा, कुछ समझा नहीं, इस सब का एच सी एफ अगर वन नहीं हुआ, अगर एच सी एफ वन नहीं हुआ मानो सब इस सब दो से भागा लग रहा है, इसका मतलब एच सी एफ क्या हो जाएगा एच गुना दो होगा कि नहीं, बात समझ रहा है। तो इस सब का एच सी एफ क्या होना चाहिए वन होना चाहिए। अब जो है देखो इसको कैसे प्रूव करें कि एच सी एफ वन होगा है कि नहीं, हम लोग जो है हम लोग इम्पॉसिबल अगर हम लोग मान लेते हैं, जैसे हम लोग तो वहाँ बोल दिए कि सब का एच सी एफ क्या होगा वन होगा है कि नहीं, इम्पॉसिबल लेट करते हैं इम्पॉसिबल लेट एच सी एफ ऑफ पी कोमा क्यू कोमा आर डॉट इक्वल टू समथिंग कुछ एम है एच सी एफ एम हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा पी इक्वल टू समथिंग एम इन टू क्या बोलते हैं कुछ भी एक्स लिख सकते हैं एम इन टू एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ताकि एच सी एफ भाई भगा दे सकता है उस तरह क्यू इक्वल क्या ले सकते हैं m into y for some y belongs to integer, r equal to क्या ले सकते हैं m into z for some z belongs to z, z z हो गया integer, ये z अलग है ठीक है and so on। अब देखो ये सब pq का मान उसमें बैठाते हैं अब समझ में, तो putting the value of ये सब तुम्हारा किसका p comma q comma r, putting the value of p comma q in किसमें पहले वाला में इन प्रीवियस इक्वेशन है कि नहीं प्रीवियस इक्वेशन, प्रीवियस इक्वेशंस, तो प्रीवियस इक्वेशंस में मेरा क्या क्या था, मेरा था ए इक्वल टू एच पी था कि नहीं, एच पी का मान क्या हो जाएगा एम एस नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो गया भाई एम एस आ गया तुम्हारा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एच क्यू था याद करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा एच क्यू का मान क्या है एम वाई, C का मान H क्या था R था, R का मान क्या है R का मान है MZ, समझ रहे बात, यहां से क्या निकल रहा है देखो अभी बार HF क्या है सब किससे भगा लग रहा है HF से नहीं भगा लग रहा है, है कि नहीं एंड सो ऑन हियर, यहां पर जो है ऑल A कॉमा B कॉमा C डॉट है कि नहीं है बस समझ में, R डिविजिबल सारा का सारा डिविजिबल है किससे, डिविजिबल बाय किससे है एच एम से है कि नहीं, डिविजिबल बाय किससे एच एम का दो सब में एच एम एच एम आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि नए का एच एफ बन गया, समझ समझे बात, दिस इंप्लाई इसका मतलब हो जाएगा कि एच सी एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी ऐसे करके जो है एच एम आ गया, नहीं बस समझ रहा है, बट एच सी एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी इस सब का जो है हम लोग पहले ले चुके थे एच, अब बताओ कोई भी नंबर का कोई सेट ऑफ नंबर का दो एच सी एफ होगा,
आई बात समझ में सिंस एससीएफ ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स कैंट बी टू डिफरेंट नंबर्स ताकि एससीएफ यूनिक होता है ना, आई बात समझ में। इसका मतलब क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, देयरफॉर कंट्राडिक्शन, ये हम लोग को कंट्राडिक्शन दे रहा है, क्या नहीं कंट्राडिक्शन दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो हम लोग माने थे कि वो सब पी क्यू जो है 10 आवर एजम्पशन, हम लोग क्या एजम्पशन माने थे, आवर एजम्पशन दैट क्या हम लोग एजम्पशन माने थे कि एच सी एफ ऑफ पी कोमा क्यू कोमा आर इस सब का क्या होगा, एम इज रॉन्ग, ये गलत होगा, ताकि अगर सही मानते दूसरा दूसरा चीज आ रहा है, नहीं समझ बात। इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ क्या होगा, वन हुआ कि नहीं, ठीक है। दिस इंप्लाइज एचसीएफ ऑफ पी कोमा क्यू कोमा आर डॉट, इसका मतलब कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। समझा समझा बात, समझ रहा बात सब कैसे हो रहा है। अब चलते हैं आगे, एचसीएफ वन हो गया। अब हमारे हिसाब से ए इक्वल टू क्या था, एच पी था, बी इक्वल टू एच क्यू था, सी इक्वल टू एच आर था, ऐसे ही चल रहा था हमारा, ठीक। अब यहाँ से जो है सबका एलसीएम निकालते हैं, फॉर द एलसीएम के लिए एलसीएम के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं ए बी सी डी, ये नहीं लिख देते करके, अब उसका ऐसे से नहीं करते थे, है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग ए का मान देते एच पी निकालेंगे, एच क्यू निकालेंगे, एच आर निकालेंगे, एक ही बात हुआ रे, शब्द को शब्द में एच को माना जाएगा, क्योंकि एच से सब भागा लग रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा पी कोमा क्यू कोमा आर, ऐसे लाइक बता। अब इसमें एक और भागा लगेगा कि क्योंकि सबका एलसीएम क्या है, नहीं समझ रहा बात। यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर देयरफॉर एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच गुना पी गुना क्यू गुना आर गुना से चलते रहेगा, नहीं काहे इसको किसी से भगा लेगा, काहे काहे कि हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं सिंस एचसीएफ ऑफ जो है पी कोमा क्यू कोमा आर इस सब का मान कितना था, वन था, जिसका एचसीएफ वन होगा वो किसी से भगाने लगता है। इसे समझा कि नहीं समझा, समझ गया ना। तो अब यहाँ से एलसीएम इतना निकला, ठीक है, हमारे पास दो चीज हो गया है, एलसीएम इतना निकला और एचसीएफ मेरा कितना था, एच था कितना था। नाउ अब करते हैं एचसीएफ इनटू एलसीएम, ले मजा बात, एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ को हम लोग एच माने थे, एलसीएम को एल माने थे, अब एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ का मान एच तुम्हारा था कि नहीं, एलसीएम का मान हम लोग निकाले, दस अंदर रख सकते, कितना आएगा तुम्हारा, एच इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू हुआ कि बता, क्या होगा रे, इसका सब रखे डालते हैं ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ कितना सा नंबर आएगा बताओ, एन नंबर से आएगा नहीं बताओ, अरे एन को था इसलिए एन नंबर से नहीं आएगा, समझ रहे बात। देयरफॉर यहाँ पर एच इंटू एल हो गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एच के साथ पी हो गया, एगो एच के साथ क्यू हुआ कि नहीं, लेकिन बाकी सब क्या हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, और ऐसे के नहीं हो जाएगा, इस सब कितना रहेगा, एन माइनस टू होगा कि बताओ, एन माइनस टू नंबर्स, इसे समझता है कि नहीं समझता है, काहे कि तुम्हारा एन नंबर में से दो को नंबर तो सेटिंग हो गया, लेकिन बाकी सब तुम्हारा क्या रहा, एन माइनस टू नंबर तुम्हारा वैसे ही रह गया, इधर क्या हुआ एच इंटू एल, समझ रहे बात ना। अब क्या, अब हम लोग क्या किए, मतलब इस सब के साथ क्या को एच चाहिए, एन माइनस टू को एच चाहिए, समझा बात। इधर तुम्हारा हो जाएगा एच पी इंटू एच क्यू इंटू, है कि नहीं, सब के साथ एच एच मल्टीप्लाई कर देंगे, एच आर, समझ रहे बात, एच एस इंटू, है कि नहीं, एन माइनस टू नंबर्स। तो इधर हम क्या को एच मल्टीप्लाई किए, एन माइनस टू एच मल्टीप्लाई किए, इधर भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन माइनस टू एच मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उधर से तो पहले से एच ही है, एच इंटू एच, कुछ समझा कि नहीं समझा, कुछ समझ रहा है। उसके बाद देखो ये सब क्या हो जाएगा, एच पी हो जाएगा, एच क्यू हो जाएगा, अब देखो सबके साथ यहाँ पर एच आर हो जाएगा, एच एस हो जाएगा, ऐसे करते रहेगा तुम्हारा, ले जा बात। अब टोटल मिला क्या हो जाएगा, एन नंबर तो नहीं बताओ, एन नंबर्स, तो इधर तुम्हारा आ गया, अभी दोनों को पावर एडिंग हो जाएगा, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो वन है, तो यहाँ पर कितना आ गया, एच टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एल हुआ कि नहीं। अब लेकिन ये सब क्या था, ये सब तो ए था, इधर क्या था, बी था, इधर क्या था, सी था, इधर क्या था, डी था, नहीं समझ रहा बात। तो इधर क्या होगा तुम्हारा, एच टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एल हुआ कि नहीं, दैट इज ये प्रूफ हो गया हम लोग का, क्या प्रूफ हुआ, देयरफॉर फॉर एन नंबर्स, कोई भी एन नंबर के लिए, है कि नहीं, एच सी एफ टू दी पावर एन माइनस वन इंटू एल सी एम इक्वल टू क्या प्रूफ हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, लगा नहीं बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द
प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर, कुछ बुझा के नहीं बुझा बस। अब पुट करते हैं एन इक्वल टू टू, पुट करते हैं दो नंबर को, देखते क्या होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस टू दी पावर टू माइनस वन इंटू एल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कितना हो जाएगा टू, टू नंबर हुआ कि नहीं बता। तो यहां तो वन हो जाएगा, मतलब एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू नंबर है कि नहीं, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। देखो दो नंबर के लिए एकदम बिल्कुल सही सेटिंग हुआ कि नहीं फॉर्मूला टू, कोई बुझा बुझा देखो, इसमें खाली एलसीएम एलसीएम आएगा, समझा बात। मतलब ये फॉर्मूला किसके लिए सही है, सिर्फ दो, दो के लिए सही है, जहां दो से तीन हो गया फर्स्ट से ही फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा, कुछ बुझा बुझा बात, ये चीज हमेशा याद रखना। चलो ठीक है, समझा कि नहीं समझा, समझ गया, ये प्रूव हो गया।